हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका। मैं भैया आपकी लोकेशन पे ही हूँ, DBS बैंक पे। बड़ी आफत है यार प्रदीप, किसी किसी ऑर्डर में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। अमेजोन हाँ, जलवा है हमारा। अपने को सिर्फ दो ऑर्डर मिले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल भाई। अभी अपन पहुंचे अपने वेयर हाउस PNDR। अभी अपना स्लो टाइम 2 से 4 का है। तो भाई पहले अपन अराइव करते हैं। अभी अराइव के लिए पहले करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, वो डेली वाला सीन अराइव्ड। और भाई इधर अपनी सेल्फी आ गई है। तो लो भाई इधर अपनी सेल्फी कम्प्लीट हो चुकी है, यूज़ फोटो। लो भाई इधर कम्प्लीट हो गया, अपन करते हैं चेक इन। तो भाई इधर आता है अपन कैलेंडर के अंदर, आज तारीख है 13 तारीख। तो भाई अपने पास सिर्फ एक ही स्लॉट है। तो भाई अराइव कर लिया है, अभी चलेंगे अपन अंदर बारकोड लेंगे। और भाई आज ना अपने पास सिर्फ एक ही स्लॉट है, 2 वाला 2 से 4 का। तो भाई अपने पास अभी 3 स्लॉट आ सकते हैं, 2 से 4 अपने पास है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब देखते हैं इतने इन स्लॉटों में से कितने स्लॉट आते हैं। तो यार जितने आएंगे उतने करेंगे, अभी तो फिलहाल एक ही स्लॉट है अभी। तो फिलहाल अपने चलते हैं वेयर हाउस में, ऑर्डर पिकअप करते हैं, मिलते हैं आपसे आफ्टर पिकअप। फाइनल भाई अपने रूट पिकअप कर लिया अपने ने। भाई अपने को सिर्फ 2 ऑर्डर मिले हैं। हाँ 2 ऑर्डर भाई, क्योंकि यार अपने स्टेशन पे थोड़ा ऑर्डर कम थे स्लॉट में, तो इस चक्कर में अपने को 2 ऑर्डर दिए हैं। 2 ऑर्डर में भाई है क्रॉसिंग के, क्रॉसिंग सोसाइटी एरिया है, और 1 ऑर्डर पेड है, जिसमें कि मैंने कस्टमर से बात कर ली है। भाई अनपेड है आपका ऑर्डर, आपको चेंज चाहिए, क्योंकि यार बल्कि ऑर्डर थोड़ा इस चक्कर में कस्टमर से बात कर ली। पहले मैं आपको अपना रूट दिखाता हूँ, भाई रूट कितना जेनुइन रूट मिला है भाई, बहुत जेनुइन रूट। जितने ऑर्डर कम है ना, इतना अच्छा रूट है। बस 1 ऑर्डर COD की थोड़ी गलती सी है। तो भाई अभी अपन यहाँ खड़े हैं, और भाई ये ऑर्डर है 2 ऑर्डर, 2 नंबर पंसिल और 3 नंबर है अरियंत। तो भाई अपन पंसिल में एंटर करेंगे यहाँ से, तो बेसमेंट में से निकलेंगे इसके, सीधा सामने अरियंत है। और भाई समरी में आते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। 1 ऑर्डर COD है 1126 का। और भाई कैलेंडर में आकर दिखा देता हूँ आपको, कोई ब्लॉक अभी तक आया नहीं है भाई, 13 तारीख कोई ब्लॉक नहीं आया अभी तक। तो भाई ये अपना प्यारा सा रूट है अपना, और कस्टमर से मैंने बात करी थी COD की रिगार्डिंग। अब वो कैश करें, UPI करें, बस और डिलीवर हो जाए, वो अपना अपन मैनेज कर लेंगे। और भाई कोई ब्लॉक अपने पास अभी तक आया नहीं है। अभी फोन भी आते हैं लड़के का, एक भाई ब्लॉक 3:30 का, तो भाई वो अपने पास आने का नहीं, क्योंकि भाई अपने पास 2 से 4 है, तो 3:30 अपने पास आने का नहीं है। तो अपने पास 4 बजे के बाद भी ब्लॉक आएंगे, मतलब 4 बजे, 4 वाला, 5:30, 6 वो ब्लॉक आएंगे अपने पास। तो भाई क्लिकर लगा रखा, देखते ब्लॉक ब्लॉक आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपना ब्लॉक तो अपना है ही आज। अभी चलते थे क्रॉसिंग, तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, मिलते हैं आपसे क्रॉसिंग पहुँच कर फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पर। तो भाई टाइम देख लो, 2:47 हो रहे हैं। तो भाई थोड़ा अपन ना ऑर्डर वोडर लेने के बाद वहाँ बातचीत में लग गए थे, TP लोग बैठे थे, किसी को 1 ऑर्डर, किसी को 2 ऑर्डर, किसी को 3 ऑर्डर, किसी को 4 ऑर्डर, सभी को रूट के हिसाब से ऑर्डर मिले थे। फिलहाल अभी निकल रहे हैं अपन क्रॉसिंग के लिए, मिलते हैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पे पहुँच कर। तो फाइनल भाई निकल चुके अपने ऑर्डर लेके। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ यार, 3:30 दिन तक अपने फ्री जाए, क्योंकि 2 ऑर्डर है भाई, 2 ऑर्डर में कितना मैक्सिमम अपने को आधा घंटा लगेगा डिलीवर ऑर्डर उसमें, अगर किसी ऑर्डर को दिक्कत नहीं होती है तो। बाकी देखते हैं भाई कितने दिन फ्री होते हैं। यहाँ का ट्रैफिक नहीं मानेगा भाई, दिन में भी ट्रैफिक मिल गया अपने को तो यहाँ पर, शाम का तो भाई यार थोड़ा ऑफिस का टाइम से ट्रैफिक मिलता है, दिन में भी ट्रैफिक मिल गया भाई। तो जी भाई क्रॉसिंग भी आ गए, यहाँ तो कुछ काम वाम चल रहा है, दखरक का सब कुछ भाई। दोपहर का टाइम भाई, बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल होगी, तो उसमें भाई बहुत बसें मिलती हैं अपने को। पहुँच चुके अपन पंसिल भी, और यहाँ पे एक एंट्री कराते हैं भैया, एंट्री कर दी हमारी एक सिंगर ही एंट्री है मेरे को। हाँ जलवा है हमारा। तो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है, जो भाई ये गार्ड था ना, मैंने बस अपना नंबर बताया, खुद ही भाई बंदे को पता मैं अमेजोन से हूँ, क्योंकि भाई मैं डेली आता रहता हूँ, डेली तो नहीं भाई आता रहता हूँ, पर इनको पता है मैं अमेजोन से हूँ भाई, ये हेलमेट पर सेटअप करके मैं ही आता हूँ और कोई नहीं आता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो लो भाई अपनी लिफ्ट भी आ चुकी है, जाओ भाई हमको लेके चल, अपना है टॉप फ्लोर यहाँ का। ये ऑर्डर है अपना COD फ्लैट, चलो शुक्र है फ्लैट ही मिल गया अपने को भाई, इतनी छोटी बैल, मैं तो कन्फ्यूज हो गया, बैल है भी यानी ऑर्डर है आपका, इधर साइड में खाली करवा लो, पेमेंट कैश ही होते हैं, UPI करवा देना हो जाए तो। पेमेंट है आपकी 11:26, सामान देख लेंगे ठीक है, थैंक यू। तो भाई अपना ये ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया है, और टाइम क्या होगा टाइम देख लो, 3:10 हो गई है, अभी अपना बचा रहा है 1 ऑर्डर। और लिफ्ट कौन सी आएगी पहले, ये नीचे आ रही है, ये 16 पर खड़ी है, क्या पता यही आएगी, हो सकता भाई यही आएगी पहले लिफ्ट, बाकी नीचे आ रही है। कंप्लीट हो गया अपना ये ऑर्डर भी, अभी अपन बेसमेंट में ही है, पहले यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं। लो भाई यहाँ से बाहर तो निकल आए अपन, और अभी जो अपनी सोसाइटी है ना अरिहंत है, बस यहाँ से अपने को बाहर निकल के हल्का सा रॉन्ग साइड लेफ्ट जाना है बस। तो फाइनली भाई अपन अरिहंत भी आ चुके हैं, और यहाँ देखते हैं सोसाइटी में अपना टावर कौन सा पड़ेगा, टावर पड़ेगा अंदर का, तो भाई ले आएंगे अपन बाइक, क्योंकि यार वेट है ऑर्डर में इस चक्कर में, तो भाई अपन तो आएंगे बाइक लेकर, बिकॉज यार वेट है ऑर्डर में। टावर पड़ेगा यहाँ से 3 से 4 टावर पड़ेगा,
अमेजोन से ग्रोसरी है। तो भाई एंट्री होगी डन अपनी, अपन चल रहे बाइक लेके, बिकॉज यार बहुत वेट है ऑर्डर में। फाइनली अराइव इन टावर, बाइक को यहाँ साइड में पार्क करते हैं। किधर लगानी है? ये लगा दूँ उधर? भाई पूछने बैठ रहे हैं ना, बेफालतू पीछे से बोले तो बेकार है। तो भाई लिफ्ट में तो आ चुके हैं अपन, भाई फुल बन के उठ रहे हैं अपना, ये सारा निकालना अपने को बाहर। बड़ी आफत है यार प्रदीप, किसी किसी ऑर्डर में तो बड़ी दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा। फ्लैट कौन सा है? आई थिंक यही फ्लैट है भाई, चलो एक्यूरेट है। निकाला डॉग है यार, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्डर है आपका, उसको डॉग को रोक लो, रख के फोटो क्लिक करनी पड़ेगी ना। हाँ इसलिए कह रहा हूँ पकड़ लो थोड़ा सा सामान, चेक कर लो आप। ठीक, थैंक यू। तो भाई कंप्लीट अपना ऑर्डर भी, टाइम देख लो भाई 3:30 तक का। तो भाई अपने कहा था 3:30 फ्री आएंगे अपन, भाई अपन फ्री तो और पहले जाते थोड़ा ना, ये ऑर्डर तो सेकंड वाला, यहाँ गेट पे एंट्री में टाइम लगे थोड़ा सा अपने को, तो इस चक्कर थोड़ा अपन बिल्कुल राइट टाइम फ्री हुए। जो अपने टाइम सोचा था 3:30 तक अपन उस टाइम तक फ्री हो गए थे, और अभी यार अपने कोई स्लॉट है नहीं, तो यार वेट कर रहे हैं कोई स्लॉट लोट मिलता है। तो बाकी इन दो ऑर्डरों में किसी में कोई दिक्कत हुई नहीं अपने को, सभी ऑर्डर नॉर्मल डिलीवर हो गए। जो कस्टमर ने पेमेंट कैश करी थी अपने को, उसका अपने सेटलमेंट कर लिया, जैसा करना था भाई कर लिया। और अभी यार फिलहाल वेट कर रहे हैं कोई स्लॉट मिलता है, तो अदरवाइज निकलते घर के लिए। कुछ लोट आगे तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लोट में, देखते भाई मिलते हैं आपसे कितनी देर बाद, कुछ नहीं पता अभी। हो सका तो भाई अभी मिल जाए आपसे 10 मिनट में ही, हो सका तो भाई अपना 5:30 या 6 या फिर 8, कुछ नहीं पता अभी। 2 hours later फाइनली भाई अपन वापस आ चुके हैं वेयर हाउस, अपना स्लॉट मिला है अपने को 6 वाला, 5:30 4 वाला अपने पास आया नहीं, 6 वाला आया है। तो अभी पहले इसको अराइव करते हैं, इधर भाई शेड्यूल में आते हैं। चल भाई जल्दी से स्टार्ट, थोड़ा अपना जाना पड़ेगा क्योंकि वाई फाई रेंज इधर आती है ना भाई, इधर दीवार के पीछे अपना ऑफिस है। यहाँ देखो भाई दिख भी रहा होगा आपके, यार रेंज कम आ रही है वाई फाई की, 2 डंडे आ रहे हैं बस, तो इसको बंद ही कर देते हैं भाई वाई फाई को। तो भाई करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, अराइव्ड, सेल्फी टाइम दोबारा से भाई, इधर अपना बार ऑप्शन आ गया बार कोड के लिए, टाइम हो रहा भाई 5:57। चलते अपन अंदर वेयर हाउस में, ऑर्डर पिक करते हैं, मिलते हैं आपसे आफ्टर पिकअप। भैया अपना भाई चलते हैं ऑर्डर लेके, रूट मिला बहुत गंदा, बहुत ही गंदे ऑर्डर मिले हैं, और सीओडी ऑर्डर बहुत हाईएस्ट है। पहले मैं आपको रूट और ऑर्डर दिखाता हूँ अपने क्या सीन है ऑर्डर का। तो भाई ये रूट है अपना 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बहुत ही गंदा रूट है भाई। और भाई समरी में देख लो आके, 2 COD हैं, 545, 2802, और भाई टाइम भी देख लो यार आप 6:32। तो भाई मैप में आते दोबारा, 6 नंबर पटेल नगर, 8 नंबर नवीक मार्केट, 4 नंबर लालकुआ सूर्य एंक्लेव, 7 नंबर कृष्णा नगर मॉडल टाउन, 5 नंबर प्रताप विहार। इन 5 ऑर्डर में 2 ऑर्डर बल्कि हैं, पटेल नगर और आपका सूर्य एंक्लेव लालकुआ वाला। तो भाई बिना देरी करे, टाइम अपने पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट है, 1 घंटा 20 मिनट में अपने को 5 ऑर्डर और 3 लोकेशन कवर करनी है, पटेल नगर, जेटी रोड, और भाई 4 होगी, पटेल नगर हो गया, नवीन मार्केट हो गई, और लालकुआ हो गया, प्रताप विहार हो गया। तो भाई 4 लोकेशन है और 5 ऑर्डर हैं, हालत ख़राब होने वाली बहुत तकड़ी वाली। तो चलो जल्दी से निकलते लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपसे लोकेशन पे, पहुंच के फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन है अपन आसपास ही है, कस्टमर को फ़ोन लगा दे ताकि वो इतने आ जाए। और मैम मैं घर के बाहर ही खड़ा था आपके। अच्छा, ओके, पेमेंट लिया ना? लिया। ओके पकड़ना, एक मिनट इधर साइड में रख लेना, फोटो क्लिक करनी पड़ेगी सारे सामान की। तीन दो पाँच, एक और होगा, एक मिनट रुकना भाई, एक सामान का रह गया तो अपन दोबारा आए लेने उसको। हाँ ये था, और ले गए क्या? फोटो क्लिक करनी पड़ती। अच्छा आंटी एक मिनट ले आओ। कैश यू पे? एक बार फोटो लेनी होती है। थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक यू। गेट खुलावा आ गए बंदे, धन्यवाद। तो फाइनल भाई कंप्लीट हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर, अभी भाई जल्दी से निकलते हैं अपन सेकंड ऑर्डर लोकेशन पे। टाइम क्या हो चुका भाई? टाइम भी आपको दिखा दूंगा यार,
6:46 हो चुके हैं भाई। तो भाई बिना देरी करे निकलता लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपको लोकेशन पे पहुँच कर। तो भाई ये जो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कस्टमर डाल रखा है भाई फर्स्ट फ्लोर, और भाई ढूंढना पड़ेगा प्लॉट नंबर भी। अपन अपने लोकेशन के आसपास है, अब भाई अंधेरा इतना हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पर क्या है, तो कस्टमर को फ़ोन लगाया जाए ताकि एड्रेस कन्फर्म हो जाए भाई। आई थिंक यही बिल्डिंग हो सकती है इनकी भाई, कन्फर्म कर लेते एक बार फ़ोन करके। लिख तो रखा भाई यही बिल्डिंग है। अमेजोन से ऑर्डर है आपका? मैं भैया आपकी लोकेशन पे ही हूँ, DBS बैंक पे। ठीक है, आ जाइए। निकल रहे थे क्या आप? फिर कौन मिलता आपने? निकल जाते तो फिर कौन मिलता? अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ के ऑर्डर ना अभी बाकी ऑर्डर अधिकतर कैंसिल होते हैं, रात के टाइम ऑर्डर कैंसिल ही होते हैं। चार ही हैं, पांच चार थे, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। चार ही हैं लेने पे। अच्छा आपके, चलो ठीक, थैंक यू। तो भाई कंप्लीट हो गया अपना ये ऑर्डर भी, और भाई अभी निकल रहा है अपन थर्ड ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि भाई अपना सूर्य एंक्लेव का लालू के साइड वाला। भाई भोग मत, मेरी ब्लॉगिंग को दिक्कत हो रही है, समझदार है भाई, समझ गया वो। सिर्फ एक घंटा बच रहा है, एक घंटे में अभी अपने को तीन ऑर्डर कवर करने हैं, जिसमें कि भाई लोकेशन है तीन, लालगुआ और आपका प्रताप विहार, और आपका एक GT रोड बच रहा है मॉडल टाउन का। तो लालगुआ करके मॉडल टाउन अपन जब करेंगे, तो फिलहाल भाई बिना देरी करके निकलता लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपको लोकेशन पे पहुँच कर। पता भाई अपना इस ऑर्डर को देखने के बाद ना अपन पूरे वेट से फ्री रहेंगे, मतलब इसी ऑर्डर में ज़्यादा वेट है। जो ऑर्डर दिया था अभी फर्स्ट ऑर्डर उसमें वेट था, बाकी तीन ऑर्डर में वेट नहीं था कुछ खास। तो फाइनल यार अपन पहुंच चुके हैं सूर्य एंक्लेव भी। भाई देखना है कस्टमर का एड्रेस अपना किस साइड को पड़ेगा। वैसे आगे से राइट दिखा रहा है मैप वाले भैया बोल रहे हैं, आगे से राइट ले लो। तो भैया मैप वाले भैया कहना है यहाँ से राइट ले लो, फिर यहाँ से लेफ्ट ले लो, लोकेशन आ जाएगी कस्टमर की। लेकिन भाई फिर भी अपन कस्टमर को फ़ोन लगाएंगे एक बार, ताकि उनको कन्फर्म हो जाए हाँ भाई इनका ऑर्डर आ चुका है। हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका? मैं आपके गली में ही हूँ, बस घर का कंफर्म नहीं कौन सा है, बाहर आके देख लो एक बार। ब्रीजा, ब्रीजा मैडम, ब्रीजा गाड़ी 28,000। क्या कह रहे हो? कौन सा घर है बता दो मेरे को, मैं बाइक रोक लूँगा ना मैं। तो भाई कोई मतलब नहीं लेडीजों का, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आपके ऑर्डर इधर कर दो खाली, सामान रख के आना। सामान पहले खाली कर लूँगा फिर मैं रख लेना अंदर, फोटो क्लिक करनी पड़ेगी सारे सामान की। ये अभी लगाओ, इससे वैसे फटा हुआ नहीं है, इसमें कुछ अभी लगाओ मेरे हिसाब से। बात तो सही है। नहीं अभी लगाए, बोलिए आप स्टार्टिंग से बोलिए। चीनी, चीनी 2 किलो है ना? हाँ। ठीक है, 2 किलो चीनी होगी। अरे आप इसको ओपन कर लो, सारा खुल जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मैं तभी तो आप टाइम क्यों लगा रहे हो इतना? नहीं ये टाटा संपूर्ण हाई फाइबर इन पोहा। ठीक है ना, थैंक यू। तो भाई 7:12 कम्प्लीट हो गया अपना ये ऑर्डर भी, अभी निकल रहे अपने फोर्थ ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि भाई कृष्णा नगर मॉडल टाउन का। तो भाई बिना देरी करे निकलता लोकेशन पे, मिलते हैं आपको लोकेशन पे पहुँच कर। तो फाइनली आ चुके लोकेशन पर भी, अब यहाँ देखना भाई एंट्री वेंट्री का सीन क्या है। यहाँ आ तो चुके हैं भाई, गार्डन वाले से पूछा कहाँ पड़ेगा एड्रेस, बोल रहे थोड़ा सा आगे पड़ेगा सीधे हाथ पे। तो भाई मैं क्या सोचा भाई कस्टमर को फ़ोन लगा देता हूँ, ताकि भाई हम ज़्यादा आगे ना पहुँच जाए भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेजोन से ऑर्डर है आपका? हाँ भैया, कहाँ पे हो? मैडम मैं आपके कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ। कौन से ये गार्ड अंकल बोलते हैं, राइट हैंड पड़ेगा आपका मकान? हाँ राइट हैंड पे पड़ेगा, एक खाली प्लॉट पड़ा है, फिर बाउंड्री हो रही है, उसके बाद है अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, ये तो नहीं है? हाँ बस यही है, फोन की आवाज़ आ रही है। नहीं मैम मैं आपके घर से आगे पीछे हूँ, आपके से कॉल पर रहिए एक मिनट, आप आ जाइए। आई थिंक मैं आगे पहुँच गया हूँ शायद ज़्यादा। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाए हम चेक कर लेंगे, वैसे चेक कर रखा है आइटम सारा। ठीक, थैंक यू।
कंप्लीट अपना ये ऑर्डर, अभी टाइम 7:25। बिना देरी करे ना निकलना सीधा अपने लास्ट ऑर्डर लोकेशन के लिए। और टाइम मैंने बताया था आपको, अपने पास ना पूरा पूरा आधा घंटा है, मतलब 25 मिनट ये 15 मिनट वो, अपने 40 मिनट में भाई चार ऑर्डर डिलीवर कर दिए, वो भी इतनी लंबी लंबी लोकेशन के। भाई जितनी जल्दी डिलीवर करना ऑर्डर, चार ऑर्डर इतनी जल्दी चल रहे हैं अपन। प्रताप विहार अपना जो के ब्लॉक का ऑर्डर है भाई, अपना लास्ट ऑर्डर है इस स्लॉट का। और अपने पास में यार एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको ऑर्डर के बाद बताऊंगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भाई ये सजावट दिख रही है ना आपको, ये अपने यहाँ लगा हुआ रामलीला रखी है, अभी हम लग रहा मेला विजयनगर के सेक्टर 9 में। तो भाई आपको दिख भी रहा होगा इधर भाई लगा हुआ झूला तकड़ा वाला, ये रहा भाई झूला। तो भाई अपन लोकेशन पर तो आ गए, अब कस्टमर घर कौन सा है ये पता नहीं, अपने को ढूंढना ही पड़ेगा। फोन लगा लिया इनको, लाइवल हॉस्पिटल। हाँ यहीं खड़ा हूँ, जहाँ मोमोज वाले भैया इनके पास ही खड़ा हूँ। ओके आ जाइए। मेरी 545 545 चेंज करवा दो, मैं देख लेता हूँ होता है तो बिल्कुल दे दूँगा आपको। 3 है 3 है 3। ना जो मैं तो 45 आता हूँ, अगली बार गाड़ी खत्म कर दो, अगली बार पता ना कौन आएगा 45 आता पूरे, ऐसा ना पता नहीं अगली बार कौन आएगा कौन ना आवे। ये लो मेरे पास कुछ ना, ये जो दिखा दी बना लो, ठीक थैंक यू। ऐसा ना झंझट खत्म होगी बात की भी। तो भाई लास्ट ऑर्डर अपना पेमेंट कस्टमर ने कैश दिया, डिलीवर करते कैश के अंदर इसको, ट्राई टू फिनिश। तो भाई टाइम क्या हो रहा है, 7:43। तो फाइनल भाई कंप्लीट हो गए अपने सारे ऑर्डर भाई, पांच ऑर्डर दे, पांच ऑर्डर भाई कवर कर लिए अपने ने। मतलब लग नहीं जाता भाई कि प्रदीप पांच ऑर्डर कवर हो जाएंगे इतने टाइम के अंदर, लेकिन भाई सब कवर हो गए। और अभी ना फिलहाल अपन चल रहे वेयर हाउस। क्यों चल रहे हैं वेयर हाउस बताऊँ दिखाऊँ? पहले बता देता हूँ, अपना ब्लॉक आ गया 8 वाला, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर अपने कैलेंडर में आए, आज है 13 तारीख, तो अपने पास ये वाला था 6 वाला, भाई 8 वाला भी आ गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाई अभी ना अपन वेयर हाउस से काफ़ी दूर है, तो ये जो लोकेशन है ना प्रताप विहार की, ये अपने वेयर हाउस के अंडर में नहीं आती, ये नोएडा वाले वेयर हाउस के अंडर में आते हैं, नोएडा वाले और गोल्ड सिटी वाले के में। तो फिलहाल बिना देरी करे निकलता है वेयर हाउस के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोड के ऑर्डर पिकअप के बाद। A few moments later. तो भाई रूट कर लिया पिकअप अपने ने, भाई अपने को दोबारा से मिला है GT रोड का ऑर्डर, मतलब भाई लोकल का ऑर्डर, और ऑर्डर मिला है सिर्फ 3। तो भाई 3 ऑर्डर मैंने अपने को लोकेशन सारी प्लॉटिंग एरिया की अच्छी बात है, एक ऑर्डर COD है, मैं आपको रूट भाई रूट कितना प्यार रूट मिला अपने को। तो भाई अपना है टूडे जर्नी में, और भाई मैप में आते हैं, भाई ये 3 ऑर्डर हैं भाई। 13 नंबर ये है आपका नेहरू नगर का, 12 नंबर नेहरू नगर, 11 नंबर पंचवटी। भाई समरी में आके चेक करते हैं, अपना एक ऑर्डर COD, अमाउंट है 319। वैसे जो कस्टमर का एड्रेस है ना भाई, वो मतलब प्रॉपर यार ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन COD ऑर्डर बहुत कम करते हैं, वो पेड ऑर्डर होते हैं अधिकतर, सेकंड फ्लोर बुलाते हैं। बाकी यार देखते हैं पहुंच के ऑर्डर डिलीवर होता है नहीं होता, वैसे अपन तो चाहते हैं डिलीवर हो जाए ऑर्डर कि अपना काम खत्म हो जाएगा। तो यार फिर निकलते लोकेशन के लिए, मिलते हैं फर्स्ट लोकेशन पहुंचकर। और भाई टाइम भी काफ़ी हो चुका है भाई, 8:31 हो गए, मतलब भाई 8:30 हो चुके हैं। और भाई अपन पूरी पूरी कोशिश रखेंगे 9 बजे तक इस रूट से फ्री होने की, क्योंकि भाई अपन जल्दी फ्री होंगे तो भाई जल्दी घर निकलेंगे। और भाई इस जो ऑर्डर COD है इसको भी अपन देखेंगे, कहने के कस्टमर से बोलेंगे UPI कर दे, करेंगे अच्छी बात नहीं तो फिर देखेंगे। तो जल्दी से निकलते लोकेशन के लिए, अपन लोकेशन के आसपास ही है, और भाई अपन ना कस्टमर को फ़ोन लगा लेते बिकॉज इनका जो एड्रेस है ना इधर इधर ही दिखा रहा है राइट हैंड की तरफ ही, देखते तो कौन आता नहीं आता, इतने इनका सामान निकाल लेते हैं। भाई फ़ोन तो उठाया नहीं, ठीक है आप आ जाओ इधर कर रहा हूँ खाली में इतने। तो भाई इतने कस्टमर आ रहे हैं, अपने इतने खाली कर देते हैं जल्दी जल्दी, काम भाई ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक थैंक यू। तो भाई अपना कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तो भाई बिना देरी करने के लिए सेकंड ऑर्डर लोकेशन पर। टाइम क्या हो चुका है भाई, टाइम हो चुका है 8:39, मतलब 8:40 हो चुका है। तो बिना देरी करने निकलता लोकेशन पे, कस्टमर की मिलते हैं आपसे लोकेशन पे पहुँच। अपन आ तो चुके हैं लोकेशन पे, ये गेट तो शुक्र खुल रहा है भाई, ये आगे हैं 2 गेट, एक गेट बंद रहता है एक गेट खुलता है, अब भाई कौन सा कब बंद रहता है ये अपने को पता नहीं है, तो भाई दोनों गेट देखने पड़ते हैं अपने को। भाई वो की उम्र, तो भाई अपन आ तो चुके लोकेशन पे इनके, बट इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया कस्टमर ने जब ऑफिस से मैंने फ़ोन किया, क्योंकि इनका ऑर्डर COD है ना। इधर अपनी बाइक खड़ी है, चाबी निकाल ली उन्होंने, यहाँ पूरे में रखा अंधेरा, उन्होंने डाला हुआ सेकंड फ्लोर, चलते भाई इतना ओहो बच के गिर जाते, अभी पेमेंट करनी है, पेमेंट UPI कर दोगे आप? ठीक थैंक यू। फाइनली भाई कंप्लीट हो गया अपना ये ऑर्डर भी, और अभी निकल रहे अपन अपने लास्ट ऑर्डर पे, जो कि इस स्लॉट का भी है और आज का भी लास्ट ऑर्डर है अपना, ये है पंचवटी का।
तो भाई बिना देरी के निकलता है पंचवटी, मिलते हैं आपसे पंचवटी पहुँच कर। टाइम हो गया 8:47। कौन सा ऑर्डर है आपका भैया? एक्सिस बैंक वाली गली में लेफ्ट लेकर आई, पहला राइट ले लिया। कौन सी बिल्डिंग पड़ेगी आपकी? अच्छा बता देना कौन सी वाली बिल्डिंग है। यहाँ I-20 खड़ी है, यही है भाई। कस्टमर का फ्लोर है 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर तो 2nd का है लेकिन फ्लोर 3rd है भाई। निकाल रहे हैं, थैला वैला डाल रहे हैं, ये बात अच्छी अपने लिए। लो भाई ऐसी भी डिलीवरी होती है। ठीक है भैया, थैंक यू। टाइम देख लो 8:54। तो भाई अपने ने सोचा था कि भाई अपन 9 बजे तक फ्री होंगे, अपन 9 बजे से पहले फ्री हो गए। तो भाई आज ना अपने पास स्लॉट तो थे, अपने छोड़ दिए थे, तो भाई अपने पास कोई स्लॉट नहीं था। ये स्लॉट था 2 वाला, वो अपने पास था, कर लिया था। फिर भाई 4 वाला नहीं मिला, 6 वाला मिल गया, फिर 8 वाला मिल गया भाई। तो इसे कहते हैं भाई जो नसीब में होता है वो मिलना होता है। एक भी स्लॉट नहीं था, एक से एक पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो भाई जो आपके नसीब में उसको कोई नहीं छीन सकता है। तो भाई आज अपने हो गए 3 स्लॉट, ये अपनी 3 स्लॉट की अर्निंग है। और भाई 3 स्लॉट हम करें अपने ने, पहले में 2, दूसरे में 5, तीसरे में 3, तो टोटल 10 ऑर्डर करें। और बाइक भाई आज 50 किलोमीटर पूरी बाइक नहीं चली, क्योंकि भाई अपना जो लास्ट लोड था ना, ये अपने को बहुत लोकल का मिल गया। तो इस चक्कर में यार अपनी बाइक 50 पूरी चली नहीं प्रॉपर, आज बाइक 50 प्रॉपर चली नहीं है। और ऑर्डर में 10, कल 11 ऑर्डर थे, 10 ऑर्डर हुए हैं। और भाई सारे ऑर्डर प्लॉटिंग एरिया के थे, सेकेंड में 3rd में प्लॉटिंग एरिया के ऑर्डर थे, बट 1st में सोसाइटी एरिया थी, वो 2 ही ऑर्डर थे। और COD ऑर्डर था वो अपने जो था वो कैश जमा कर दिया। अब जो कैश था वो अपने यूपी कर दिया उसका, बाकी पहले वाला कैश था वो जमा कर दिया अपने ने। और यार अब भी निकल रहा है अपन वेयर हाउस के लिए, बैग सबमिट करना है। बाकी रस लोग कहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके बताने वीडियो चलेगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी और सब्सक्राइब, बाय बाय।